हीरों में भी तुम हीरा, मणियों में अनमोल मणि, दादियों में दादी बड़ी, प्यारी दादी प्रकाश मणि। जिनके मुस्कान सभी के पल भर में कष्ट मिटाती, मुरली की तान सुना के मुरलीधर से मिलाती। जिनकी दृष्टि पाने को चलते कदम थे रुक जाते, ममता व प्यार पाने को फरिश्ते शीश झुकाते। धारणा में सबसे धनी प्यारी दादी प्रकाश मणि। ब्रह्मा बाबा ने जिनको यज्ञ की कमान सौंपी, वो थी दादी प्रकाश मणि। महान विभूति और संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रकाश स्तंभ पर अपनी स्नेह भरी श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, महासचिव बी के निर्वैर भाई जी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बी के मुन्नी दीदी, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई, मल्टीमीडिया चीफ बीके करुणा भाई, गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई समेत देश भर से आए रिट्रीट सेंटरों की निदेशिका एवं सेवा केंद्र प्रभारियों ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दादी जी की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शांतिवन परिसर में ब्रह्मा कुमारीज, रोटरी इंटरनेशनल एवं ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से आए संस्था के कई सदस्यों ने अपना रक्तदान देकर दादी को अनोखी श्रद्धांजलि दी। देखिए वो तस्वीरें। रक्तदान शिविर में मल्टीमीडिया चीफ बीके करुणा, रेवदर विधायक जगसीराम कोहली, राजकोट विधायक रमेश तेलारा, मेडिकल प्रभाग के कार्यकारी सचिव डॉक्टर बनारसी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और कार्यक्रम का जायजा लिया। बड़ी दादी जी वैसे तो गुणों की खान थी, लेकिन उनका एक गुण जिसके सभी मुरीद थे वो है पालना का। फिर वो चाहे संस्था के सदस्य या यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हो, इसीलिए दादी जी की प्रत्येक पुण्य तिथि पर कर्मचारियों को विशेष सौगात, टोली और ब्रह्मा भोजन कराने का प्यार भरा रिवाज है, जो कि पिछले 16 वर्षों से जारी है। हर बार की तरह इस बार भी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बी के मुन्नी दीदी ने सभी कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल लेते हुए उन्हें अपना जीवन व्यसन मुक्त, तनाव मुक्त और विकार मुक्त बनाने की प्रेरणा दी। उन्हें दीदी के साथ मंच पर बीके हंसा बहन, बीके कविता बहन, बीके डॉक्टर मेघना, बीके सुधीर भाई और बीके नंदा बहन उपस्थित रही। दादी जी की पुण्यतिथि को दुनिया भर के सेवा केंद्र पर भी भावपूर्ण और प्रेरणादायक तरीके से मनाया गया, जिनमें सबसे पहले बात करते हैं झारखंड के रांची की, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला बहन की उपस्थिति में शहर के महानुभव लोग शामिल हुए। लौकिक जन्म हुआ था, एक ज्योतिष, बड़े ज्योतिष के यहाँ हुआ था। बहुत नामी ग्रामी थे, पहुँचे हुए थे और उन्हीं के घर इनका जन्म हुआ। उन्होंने, वो बहुत दूरांदेशी व्यक्ति थे, इतने दूरांदेशी थे कि अपनी बच्ची को देखकर के उनको यह अंदाजा पहले से ही हो गया था कि ये बहुत बड़ी महान साधिका बनेगी, क्योंकि उनको बचपन से ही उनसे वो महान बनने के संकेत
उनके आचरण और जीवन में दिखाई देने लगे थे। और सचमुच में उनका नाम लौकिक रमा था। तो जब वो 1936 में इस संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा के संपर्क में आई, तो संपर्क में जब आई तो उनको, क्योंकि परमात्मा का शक्ति, दिव्य शक्ति का उनमें समावेश था, तो उनके संपर्क में आते ही उनको बहुत सारे साक्षात्कार हुए। तभी से ही उन्होंने ये निश्चय कर लिया, अब ये जीवन है केवल इस ईश्वरीय सेवा के लिए ही। जीवन का उद्देश्य आत्मा का उद्धार, माने आपका स्वयं का उद्धार तथा जगत का उद्धार भी हो। बहुत लोग अपना हित तो देखते हैं, लेकिन दूसरे का हित देखने वाले बहुत विरले होते हैं। कहने के लिए हम लोग सेवा में देने जाते हैं, संगठनों से भी जुड़ते हैं, लेकिन संपूर्ण जीवन ही दूसरों के लिए अर्पित कर देना, ऐसा कोई कोई विरला ही करता है। मीठी मीठी यादों में दादी जी के हम हर पल को जाने, विश्व वंदनीय दादी माँ गाती सबके है सुबह, मेरी दादी ओ प्यारी दादी, मीठी दादी ओ प्यारी दादी, मीठी मीठी यादों में दादी जी की हम हर पल को जाएं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, ओम शांति।